हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, कक्षा 10वीं की गणित की हमने वर्कशीट की है। आज की दिनांक है 25 अगस्त 2021। अध्याय है 2, बहुपद के शून्यक। ठीक है, इसमें मैंने आपको 4 प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। 4 सवालों को हमने हल कर दिया था। बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं, उदाहरण से परिभाषा लिखी थी। फिर ये आलेखों से शून्यकों की संख्या भी ज्ञात करी है और कथन भी देख लिए, सत्य असत्य। फिर निम्न बहुपदों को उनके मानक रूप में लिखिए, तो हमने ये भी लिख लिया है। अब 5वां प्रश्न हमारा रह गया था, जिसका उत्तर मैं आपके सामने ला रही हूँ। निम्न बहुपदों के आलेख बनाइए। तो देखिए, ये जो बहुपद हैं, ठीक है, x^3 - 1, या तो आप इनके शून्य ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, शून्य ज्ञात करके आप ग्राफ बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपको तो ये ग्राफ पेपर में बनाना है, इसलिए अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो आप ग्राफ कॉपी लीजिए और उसमें आलेख बनाइएगा। मैं तो सिंपल पेपर पे आपके लिए ग्राफ लाई हूँ, तरीका बता देती हूँ मैं आपको। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो 5वें प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए, x^3 - 1 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह का एक बॉक्स बना देना है जिसमें ऊपर x का मान लिखेंगे, नीचे fx, यानी इसको हमने y मान लिया, पीछे वाले को इस पूरे को y मान के y का मान लिखेंगे। तो x का मान अगर 0 रखते हैं तो x^3 - 1 का मान हो जाएगा -1। ठीक है, फिर x का मान अगर 1 रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, और x का मान 2 रखेंगे तो इसका मान 7 आ जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। देखिए, इसको ये मैंने रफली किया है, आप उसको फेयर कीजिएगा ग्राफ कॉपी में। आपको ऐसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल एजेस बनाने हैं, या आपको दो अक्ष बनाने हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ मैंने लिखा नहीं, ये एक्स एक्स डैश लिख सकते हैं और इसको वाई और वाई डैश लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 अक्ष लिख दीजिएगा। यहाँ पर प्लस के चलता है, जैसा कि चतुर्थांश होते हैं 1, 2, 3 और 4, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 चतुर्थांश होते हैं। तो इसमें आपको करना है काम। तो अब देखिए, पहला x का मान 0 और -1 है, तो यहाँ पर 0 और -1 लिख दिया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर 1 और 0 है तो 1 यहाँ लिख दिया, और 2 और 7 है तो 2 देखिए प्लस का और 7 भी प्लस का, तो ये आ गया यहाँ पर। तो इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले प्रश्न। अब देखिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है x और fx में। तो यहाँ fx देखिए, हमारी समीकरण थी 5x² - 7x + 8। तो यहाँ पर x² - bx + c, इससे चलेंगे। देखिए ax² - bx + c, तो a बराबर यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा a 0 नहीं है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। x और fx का मैंने मान लगा दिया है, आप भी इसको हल कर दीजिएगा। x का मान 1, 2 और 0 रखा है, जैसे fx का मान 6, 0 और 8 आ गया है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। अब x का मान देखिए, यहाँ पर 1 है और y का मान 6 है, तो 6 और 1 का आप लाइन खींच दीजिएगा, एक पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। दूसरा है 2 और 0, तो 2 और 0 यहाँ आ जाएगा। फिर तीसरा है 0 और 8, ठीक है, तो 0 और 8 का आएगा, देखिए ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 0 और 8, तो ये इस तरह की एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, x बराबर 1, 0 और 2 लिखा है और 7x - 11 था, तो -4 और -11 और प्लस के 3 है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार आपको बनाना है। जो ग्राफ पेपर आप ले गए, ग्राफ कॉपी पे बनाना है आपको, तो यहाँ इस प्रश्न को भी इसी प्रकार हल करना है। यहाँ पर हो जाएगा 1 और -4, तो 1 और -4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 और -11 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 और 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको भी आप ऐसे मिला लीजिएगा। तो इस प्रकार ये 3 प्रश्न हुए। इन 3 प्रश्नों का उत्तर मैंने रफली बताए आपको, तो अगर कुछ कठिनाई हो तो क्षमा कीजिएगा। आप इसको ग्राफ पेपर में हल कीजिए तो आपका ये बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, ये प्रश्न बाकी था, इसलिए मैं अभी आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, पहले नहीं बता सकी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।